ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द वर्गो साइन, जिसमें हम बात करेंगे आपके पर्सन के बारे में। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है एंड इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पार्टनर की इंटेंशंस, उनका नेक्स्ट मूव और वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, आउटकम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए और आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि आप लोगों के लिए व्हाट्स कमिंग अप इन योर लव लाइफ, क्या है आपके पार्टनर की इंटेंशंस। ओके, सो करंट, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट स्टेटस आपका चेक करते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, वर्गो, या वी आर टॉकिंग अबाउट वर्गो। ओके, सो आपके पार्टनर और आपके बीच में अभी सिचुएशन क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सो मेनली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग रिलेटेड टू पास्ट। ओके, और मे बी स्टिल कुछ आपको हॉन्ट कर रहा है, समथिंग इज अगेन हॉन्टिंग यू, स्टिल हॉन्टिंग यू, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसने ये कहा था, ऐसा बोला था, ये हुआ था, वो हुआ था, और मे बी इट्स अबाउट फीलिंग ऑफ गिल्टी, गिल्टी हो सकते हैं, ऐसी कोई एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। ओके, सो मतलब रह रहे के बातें दिमाग में आना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर वर्क। ओके, चलिए आगे देखते हैं, व्हाट एल्स आपके पार्टनर। ओके, सो आपके जो पार्टनर है वर्गो, आई थिंक इनकी जो करंट लाइक दे डोंट हैव बैड इंटेंशंस फॉर यू। पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको कि दिस पर्सन डज नॉट हैव एनी बैड इंटेंशंस फॉर यू। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके बारे में बुरा सोच रहे, जस्ट लाइक मे बी इट्स अबाउट लाइक आप लोगों के बीच में एक साइकिल है, लाइक अ नेवर एंडिंग साइकिल, और मे बी यू आर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर फॉर एन ईयर नाउ, एक साल हो चुका है, और शायद हो सकता है इट्स अबाउट लाइक ये पर्सन आपसे दूरी पे है, ठीक है, और गुड लुकिंग, समबडी गुड लुकिंग, और सारी एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, ठीक है वर्गो। ओके, एंड और मे बी एयर एनर्जी, फायर एयर, ठीक है। ओके, सो दूरी पे हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकते हैं, अपने आप में है ये चीज़। तो ये बेसिकली आपसे क्या चाहते हैं ये पर्सन। आई थिंक येस, ऑफकोर्स यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, इट्स समथिंग फ्रॉम द पास्ट डेफिनेटली वर्गो, लाइक यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। वी आर गेटिंग द टावर मोमेंट हियर, सो मे बी इट्स अबाउट ब्लॉक, लाइक आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक, और मे बी यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, एंड समथिंग हैज हैपेंड एंड यू बोथ आर नॉट रिएक्टिंग, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अब सिचुएशन तो ये है, ठीक है, इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। आई थिंक इट्स लाइक अनफिनिश्ड बिजनेस। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगेन एयर एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, यू आर डीलिंग विद, ओके, एयर एनर्जी। ओके, सो अगेन शायद हो सकता है समथिंग ऑन ऑफ, इट्स लाइक इट हैज नॉट एंडेड येट, या क्लोजर नहीं मिला है आप लोगों को, और या हो सकता है कि ब्लॉक पे है, बात नहीं हो रही है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट कि ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से आपको रीच आउट कर रहे हैं, इट्स अबाउट टेकिंग, लाइक मुझे ऐसा लगता है इनफैक्ट आ नहीं रहे हैं, दिस पर्सन इज रनिंग यू नो अवे, या हो सकता है कि शायद हो सकता है दिस ये पर्सन है जो छोड़ के गए थे। ओके, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, या एकदम से सडनली मुझे ऐसे लगता है दे टुक अ ब्रेक सडनली, यू नो, अब ये पर्सन छोड़ के चले गए, या सडनली कुछ ऐसी बात हो गई आप लोगों के बीच में, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो इट्स काइंड ऑफ अ दैट, यू नो, स्लीप मोड पे है, सो नो टॉकिंग, नथिंग नथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ वर्गो, आपके और आपके पार्टनर। तो क्या ये कभी पर्सन आपकी तरफ आएंगे?
आई थिंक दे आर अप टू समथिंग, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लाइक यू नो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी तरफ से एंड कर दिया, इट्स काइंड ऑफ अ दैट थिंग, टेन ऑफ सूट्स, यू नो, सो मे बी इट वॉज अ अब्रप्ट एंड और एंड, यू नो, अपनी तरफ से लाइक एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया है, बट आपको स्टिल ऐसा फील होता है कि इट्स लाइक एन अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग, दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग, मे बी इन अ पब्लिक आई और मे बी डूइंग समथिंग रिकग्निशन, और कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना, इवन पब्लिक प्लेटफॉर्म और स्टफ लाइक दैट, सो दे कीप ऑन पोस्टिंग, या हो सकता है आप देखते रहते हैं पिक्चर्स वो वगैरह वगैरह, आई डोंट नो, मे बी डीलिंग विद अ फायर, आई टोल्ड यू लाइक मे बी यू आर डीलिंग विद अ फायर एनर्जी, ठीक है, और एयर, फायर, एयर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ओके, सो इन्होंने अपनी तरफ से एंड कर दिया एंड इट्स एंडेड, अभी तक जो ऐसा लग रहा है. नाउ व्हाट आर दे अप टू? कोल्ड बिहेवियर, आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज गिविंग कोल्ड वाइब्स, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, आई थिंक कि वो यू नॉट फेसिंग ईच अदर, नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, मे बी दिस पर्सन इज लाइक एक्टिंग वेरी कोल्ड, कोल्ड बिहेव कर रहे हैं. तो आउटकम क्या है बेसिकली इस रिलेशनशिप का, व्हाट्स द आउटकम? थर्ड पार्टी, आई थिंक समबडी इज देयर, कोई आ चुका है थर्ड पर्सन, ठीक है, आपकी साइड से हो सकता है, उनकी साइड से हो सकता है, कोई और आ चुका है लाइफ में, ठीक है, तो दिस इज द थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द वर्गो पीपल. व्हाट एल्स? वर्गो खुद आप भी क्लोज रहो हैं, इट्स अबाउट लाइक यू आर ऑल्सो नॉट रिएक्टिंग बिकॉज यू आर हार्ट ब्रोकन, यू आर शैटर्ड एंड यू आर नॉट ओपनिंग अप, तो आप खुद भी ओपन अप नहीं हो रहे हैं, इट्स जस्ट दैट लाइक यू आर ऑल्सो मूविंग, ट्राइंग टू मूव ऑन एट लीस्ट, और मे बी क्लोज ऑप लाइक वही है, लेकिन बस दिल का दरवाजा जो है वो बंद कर लिया है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लाइक not available for you know any love in your life, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. तो अब इस मामले में हम क्या बोलें आपके लिए वर्गो, what you need to know more, okay, this is the situation we are getting, okay, patience is the key, I think you are just waiting for the right time, it's about patience, no movement at all, okay, या आपको ऐसा लगता है like maybe you are working on your money sector, शायद हो सकता है कि आप अपने money sector पर काम कर रहे हैं, so it's going good, ओके, तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो पे ऑफ हो सकते हैं, इट्स अ गुड एनर्जी, लाइक इट्स ऑलरेडी इट्स पेइंग ऑफ, और मे बी ऑलरेडी यू आर डूइंग गुड, यू नो यू आर डूइंग गुड, सो इट्स ओके, समटाइम्स इट हैपन्स, होता है, ठीक है, लाइफ है एंड ये सब चलता रहता है, सो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्को इन दिस सिचुएशन, जो भी लव सिचुएशन है, जो भी वो डील कर रहे हैं, क्या गाइडेंस है राइट नाउ फॉर लव लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अबाउट यू आर कंट्रोलिंग टू मच, नॉट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट योर सेल्फ एज वेल, कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं और लाइफ ऐसी नहीं चलती. इट्स अबाउट आपके टोटली जो चक्रास हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं. वाई? बिकॉज आपको लगता है कि येस दिस वे यू कैन मैनेज, नो दिस यू कांट. लव इज़ द बिगेस्ट एनर्जी. अगर आपको लगता है कि लव जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, देन आई थिंक इट्स अबाउट यू आर टोटली ब्लॉकिंग योर सेल्फ, ठीक है, और मतलब आई थिंक इट्स अबाउट लाइक आपको लगता है कि नो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, एक पर्सन ने धोखा दे दिया, दूसरे ने धोखा दे दिया, ऐसा हो गया, सो मे बी You are not concentrating on the lesson, कि आपके लिए lesson क्या है, you are concentrating on the problem, कि ये problem हुई है भाई, ये problem हुई है भाई, but उस problem ने आपको lesson क्या दिया, you are not concentrating on that, okay, problem को छोड़ दीजिए, जो problem थी उसको छोड़ दीजिए, उसमें से जो lesson मिला उसको लेके आप happily आगे बढ़िए, मैं आपको ये बोलूँगी, you know, like what you learned from that, तो वो चीज़ है, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि आपने अपने आप को ही बंद कर लिया कमरे में, तो आप कमरे में जब बंद कर लिया, इट्स लाइक मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको लगा कि लाइक कोई कीड़ा या कोई पतंगा आ गया है, ठीक है, एंड इट्स यू नो काइंड ऑफ इरिटेटिंग यू, तो बजाय कि ठीक है वो आप उसको हटा दें या वो करके, आपने अपने आप को ही कमरे में बंद कर लिया, अब आप ब्लॉक कर रहे हैं अपने आप को, इट्स अबाउट दैट, सो यू हैव टू डील विद द सिचुएशन एंड लेट गो, बट उसकी बजाय आप क्या कर रहे हैं, आपने अपने आप को उस वो अंधेरे कमरे में वहां बंद कर लिया, आपको लग रहा है कि कुछ
मतलब कुछ नजदीक ना आए, आप हर्ट ही ना हो। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हर्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना? आपको सनलाइट मिलेगी ना, आपको कुछ। इट्स अबाउट योर कीपिंग योर सेल्फ ब्लॉक्ड, चक्रास आर बीइंग ब्लॉक्ड बिकॉज हार्ट एक है, ठीक है? तो अब उससे क्या हो रहा है कि आपने अपने आप को बंद कर लिया है, मेंटल क्लैरिटी भी नहीं मिल रही, गुस्सा भी हो रहा है, पास्ट का बर्डन भी करके बैठे हैं, तो और चक्रास भी ब्लॉक्ड हो रहे हैं। तो देयर इज लाइक फियर, नो फियर भी है, ठीक है? स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो फियर है। रूट चक्रा भी ब्लॉक हो रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉक हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट मीटिंग पीपल। सिमिलरली सारे चक्रास हैं। नाउ हाउ टू डील विद दैट? इसमें बताया है आपके लिए दैट यू नीड टू कीप द न्यू विजन, ठीक है? नया विजन रखने की जरूरत है, अपने आप को अपनी जो वाइब्रेशन है उन पे काम करने की जरूरत है, नया सोच नया नजरिया अपनाने की जरूरत है, बाहर आने की जरूरत है। यू हैव टू फेस द वर्ल्ड, ओके? ये सब कुछ तो चलता रहता है, ठीक है? कभी बारिश आ गई तो हर चीज का सलूशन है, बारिश आ गई है तो छाता ले लीजिए, ठीक है? इफ समथिंग इज इरिटेटिंग यू देन यू कैन मूव और स्विच, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने आपको अंदर बंद करके बैठ जाए, ओके? सो दिस इज द थिंग वी आर गेटिंग, सो यू नीड टू रियली वर्क ऑन दैट, यू नीड टू रियली वर्क ऑन दैट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ब्यूटिफुल मैसेजेस वी आर गेटिंग अलॉन्ग फॉर ऑल द वर्गो पीपल, एंड आई विश कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो प्यार आपको मिले जो आप डिजर्व करते हैं, बट उसके लिए सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।